जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भावी बोर्ड चैनल। आज हम मैप रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कन्वेंशनल साइंस पढ़ेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप किसी भी बी सर्ट सी सर्ट का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। कोई 5 आपसे कन्वेंशनल साइन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ऑलमोस्ट सारे कन्वेंशनल साइन आपके कवर करवा दूंगा जो जो सिलेबस में है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइन देखो, दीज आर साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्टेन नेचुरल और मैनमेड ऑब्जेक्ट्स ऑन मैप। मतलब क्या हुआ कहने का, कन्वेंशनल साइन ऐसे सिंबल वगैरह होते हैं जिससे हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं मैप के ऊपर, या कोई भी नेचुरल चीज़ हो सकती है वो, या कोई मैनमेड चीज़ हो सकती है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आप देखते चलिएगा, एक बार ध्यान से वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जैसे बहुत नेचुरल सा आता है, पहले देखिए मेटेलिक रोड। मेटेलिक रोड, तो मेटेलिक रोड का सिंपल सा साइन होता है, आप ऐसे 2 लाइनें खींच देंगे, ये हो जाती है आपकी मेटेलिक रोड। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इन सबको आप पेंसिल से खींचेंगे, पेंसिल यूज, पेंसिल पेपर में आप इसको खींचने के लिए पेंसिल का ही यूज़ करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हुआ मेटेलिक रोड का कन्वेंशनल साइन। पेपर में कैसे कैसे पूछते हैं आप देखते चलो। मेटेलिक रोड सिंपल हो गई। अब एक पूछ लेगा अनमेटेलिक, अनमेटेलिक ऐसे शॉर्टकट में लिख दूँ, अनमेटेलिक रोड। अनमेटेलिक आप कैसे लिखोगे, अनमेटेलिक ऐसे कर दोगे, डैश 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 मार दिए। ध्यान से देखते चलना, बस आपको ध्यान से वीडियो देखते जानी है। अनमेटेलिक हो गया। एक क्या पूछते हैं इसमें, जो सी सर्ट वाले बच्चे हैं उनसे पूछ लेते हैं, मेटेलिक रोड विद विद माइलस्टोन, माइलस्टोन या अनमेटेलिक रोड विद माइलस्टोन भी पूछ लेते हैं। माइलस्टोन क्या होता है, जैसे आपने कई मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, या जब अब कभी ट्रेन से या बस से जा रहे होते हैं तो रास्ते में वाइट कलर के पत्थर से लगे होते हैं, ऐसे कलर के, ऐसे करके कुछ स्टोन से लगे होते हैं, और उस पर कुछ लिखा होता है जैसे कि दिल्ली 100 किलोमीटर दूर या लखनऊ 500 किलोमीटर आगे, ऐसे करके, है ना। तो साइड साइड में लिखा होता है, तो इसमें कुछ कुछ भी नंबर लिख देना जो तुम्हारी इच्छा करे ऐसे करके, तो ये माइलस्टोन बन गया। ऐसे करके कैसे बना देना इसको, ऐसे ओवल सा बना देना या ऐसे बना देना, ठीक है, 15 ऐसे करके। तो ये माइलस्टोन हमने लगा दिया इसके ऊपर, क्या किया हमने, माइलस्टोन लगा दिया। ये हो गया, इतनी बात क्लियर हुई, ये 2 चीज़ क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए कॉसवे, कॉसवे, और इसी से रिलेटेड एक होता है आपका ब्रिज, ब्रिज। ये सारे पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉसवे होता है, जैसे सपोज करिए कोई रिवर जा रही है, ये कोई रिवर जा रही है, इसमें लोगों ने ऐसे रस्सी रुस्सी बांध के कोई पुल बना दिया, लकड़ी का है, मजबूत नहीं है, तो ये कॉसवे हो जाता है, मतलब आने जाने का रास्ता। कॉसवे मीन्स आने जाने का रास्ता, ठीक है। ब्रिज में हो जाता है, जैसे ये नदी जा रही, तुम्हारी नदी जा रही सिंपल, इसमें हम ऐसे बनाते हैं, ये हो जाता है ब्रिज। इसका मतलब है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको बिल्कुल अच्छे से सीमेंट पत्थर मार्बल वगैरह लगा के कंस्ट्रक्ट कर रखा है, तो ये हो गया ब्रिज। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल गई कि अगर हमें रिवर बनानी हो तो रिवर हम ऐसे बना देंगे, ये जा रही रिवर, लेकिन अगर आप सिंपल ऐसे रिवर बनाओगे तो ये वाली हो जाएगी ड्राई, ड्राई रिवर, ये हो जाएगी ड्राई रिवर। अच्छा, अब इसमें पानी है, ये कैसे दिखाएं, बस सिंपल ऐसे बनाओ, पानी पानी बना दो इसके अंदर पे, इसके अंदर हमने वाटर बना दिया, ये हो जाएगा वेट रिवर। वेट रिवर मीन्स बता दो इसके अंदर पे वाटर है, ये क्लियर हुई बात, आगे बढ़ जाएं, यहाँ तक क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट देखिए अब ध्यान से, अनलाइंड वेल, अनलाइंड वेल मतलब क्या हुआ, वेल का मतलब होता है कुआं, कुआं, और जिसकी बाउंड्री नहीं हो रखी, ऐसा कुआं, तो वो सिंपल ऐसे बन जाएगा, ये सिंपल बन गया, ये ऐसा कुआं है जिसकी बाउंड्री नहीं हो रखी। अच्छा, इसी के साथ में अगर पूछ ले लाइंड वेल, ऐसा कुआं बताइए जिसकी बाउंड्री हो रखी है, तो आप ऐसे करेंगे और इसको कलर से भर देना, पेंसिल से इसको भर देना, तो ये होगा लाइंड वेल, मतलब ऐसा कुआं है यहाँ पर जिसकी बाउंड्री हो रखी है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाऊँ, इतना क्लियर हो चुका आपको, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए रेलवे वाले बता देता हूँ आपको सिंबल्स, नेक्स्ट आपको रेलवेज वाले सिंबल्स बता देता हूँ। रेलवेज, रेलवेज में 3-4 तरह के सिंबल्स पूछते हैं आपसे जनरली, कौन कौन से पूछेंगे, एक तो इसमें आ जाता है नैरो गेज, नैरो गॉज, GUAGE, अभी बताता हूँ ये क्या होता है। एक होता है ब्रॉड गॉज, ब्रॉड गॉज, देखो नैरो गॉज का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई हिली एरिया हुआ ना, जैसे सपोज करो पहाड़ वगैरह, कुल्लू मनाली वाला साइड हो गया, ऐसे ना माउंटेन्स वाला एरिया, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ट्रेनें नहीं लेके जाते, वहाँ पे ना पतली पतली छोटी छोटी ट्रेनें जाती हैं, तो उसको बोल देते हैं हम नैरो गॉज। और जैसे मैदानी एरिया हो गया दिल्ली वगैरह का, वहाँ पे बड़ी विशाल काय लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी ट्रेनें चलती हैं, तो उनको ब्रॉड गेज बोल देते हैं, क्लियर हुआ। नैरो गेज में कम डब्बे होते हैं, लगभग मतलब 8-10 डब्बे ही हुए, 4-5 भी होते हैं ऐसे होते हैं। ब्रॉड गॉज में तो भाई
पचासों डब्बे लटका के चल रही है ट्रेन, ऐसे होता है। तो नैरो गोज हो गया, ये ब्रॉड गोज हो गया। अब इसमें दो टाइप के होते हैं नैरो गोज में, नैरो गोज भी दो टाइप के ये होंगे और ब्रॉड गोज भी आपके दो तरीके के होंगे, बस आप देखते चलिए ध्यान से। ये हो जाता है जैसे ये बना दिया आपने और ऐसे कर दिया, ये नैरो गोज का साइन हो गया। ये सिंगल लाइन होगी, सिंगल, अगर आपसे बोले नैरो गोज सिंगल लाइन तो आप ऐसे बना देना, अगर बोले नैरो गोज डबल लाइन तो ऐसे बनाइएगा, अगर बोले नैरो गोज डबल लाइन, डबल डबल लाइन, नैरो गोज डबल लाइन, क्लियर। अब ब्रॉड गोज की बात आ गई सिंपल, तो ब्रॉड में भी यही होता है, एक सिंगल होगा एक डबल होगा। सिंगल में आप बनाएंगे ऐसे, ये बनाया और इसके अंदर पे ऐसे करके इसको कलर कर दीजिएगा, ये किया, ये सिंगल हो गया आपका, सिंगल हो गया आपका ये वाला, ठीक है। और अगर आपसे डबल पूछ ले तो इसी को थोड़ा और बड़ा सा बना दीजिएगा, चौड़ा सा एकदम, है ना, उसके बड़े बड़े ये खाने भर के इनको कलर कर देना अच्छे से, बड़े बड़े करके खाने से इनको कलर कर दीजिएगा, अच्छे से कलर कर लेना यार अपने आप, ठीक है, ड्राइंग बना लेना अच्छे से। ये हो गया ब्रॉड गोज सिंगल गोज, समझ आ गया, ये सिंगल हो गया आपका, ये एस वाला सिंगल, ये आपका डबल, ठीक है। ब्रॉड गोज नैरो गोज बना लोगे। एक इसमें पूछ देते हैं, मतलब ये तो बी शर्ट वालों से पूछा नॉर्मल, सी शर्ट वालों से एडिशनल पूछते हैं चीज़ें, आपसे पूछेंगे कि ये बताओ कि नैरो गोज बोला या ब्रॉड गोज बोला, बोलेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, कि नैरो गोज अंडर कंस्ट्रक्शन या ब्रॉड गोज अंडर कंस्ट्रक्शन, दोनों में। तो मैं दोनों तरीके से बता, नैरो गोज अंडर कंस्ट्रक्शन में आप ऐसे तोड़ तोड़ के बना देना, मतलब जैसे नैरो गोज होगी सिंगल है डबल लाइन हमें नहीं पता कैसी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, टूट रखी ना बीच में से, मतलब बन रही है, ये हुई एक एक ये हो गया। अगर डबल गोज अंडर कंस्ट्रक्शन बोल दे तो ऐसे बनाइएगा, इसमें कलर किया, ठीक है, फिर बीच में थोड़ा तोड़ के छोड़ देना, फिर ऐसे बना देना दूसरा, फिर तोड़ के छोड़ देना, फिर बना दीजिएगा ऐसे करके। तो ये क्या हुआ, ब्रॉड गोज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इतनी क्लियर होगी। आगे बढ़े, आगे बताऊँ, आगे सब रेडी। नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ नंबर का आपका, कुछ बहुत सिंपल से होते हैं, सिंपल्स आपके बहुत इजी से, उनको देखते चलिए। जैसे आपसे पूछा सर्किट हाउस, सर्किट हाउस मतलब जहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है कहीं पे, उसको सर्किट हाउस बोल देते हैं। तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको सी एच, ये सिंगल ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, अगर आप इस पे ऐसे डब्बा मार देंगे तो भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सर्किट हाउस हो गया। एक पूछते हैं रेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस आराम करने की जगह रेस्ट हाउस, तो ये होता है आर एच, रेस्ट हाउस ऐसे आर एच, अगर खाली भी लिख दोगे ना तो भी गलती नहीं है, मतलब सही है वो भी, लेकिन डब्बा मार दोगे तो भी सही है, तो दोनों तरीके आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट हाउस क्लियर हुआ। एक इंपॉर्टेंट लिखो पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पूछते हैं आपसे, तो पुलिस स्टेशन भी सिंपल से पी लिखना, एस लिखना, डब्बा लगा देना या मत लगाना, जैसी तुम्हारी इच्छा, पुलिस स्टेशन, ये क्लियर हुआ। आगे बताऊँ, एक आपसे पूछते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इसका भी होगा पी ओ, पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, और देखिए ध्यान से, पोस्ट ऑफिस क्लियर हुआ आपका। इसी के साथ पूछ लिया टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ, टेली पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस, ये तो क्लियर हो गया ना, पता ही हो गए, तो टेलीग्राफ भी यही होता है, पोस्ट पोस्टल सर्विस ही होती है टेलीग्राफ सर्विस भी, तो टेलीग्राफ ऑफिस हो गया वहाँ पे कोई, तो ये टी ओ होता है, या कोई कॉलिंग बूथ हो गया, जैसे पोस्टल टेलीग्राफ ऑफिस दोनों कंबाइन हो गए, तो ये भी हो सकता है कंबाइन, पोस्टल भी है टेलीग्राफ ऑफिस भी है, तो दोनों पीटीओ लिख दिया, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। और आपसे पूछते हैं, जैसे कि आपसे पूछा कि कैंपिंग ग्राउंड, कैंपिंग ग्राउंड, ये जरूरी है, पूछते हैं ये सारी पूछे गए हैं दरअसल ना, कैंपिंग ग्राउंड मतलब ऐसा ग्राउंड जहाँ पे कैंप लगा हुआ है, जैसे आपका एनसी से कैंप लग रखा, बोला कि इस कैंपिंग ग्राउंड को बना के दिखाओ, तो आप ऐसे लिख दो उसमें ऐसे कर देना सी जी, ये कैंपिंग ग्राउंड हो गया, ऐसे डब्बा मार देना है तो पूरे स्क्वायर, या ऐसे ऐसे डब्बा मार देना, क्योंकि कैंपिंग ग्राउंड का एरिया डिफाइन नहीं होता, कैंपिंग ग्राउंड का एरिया डिफाइन नहीं होता कि कितनी दूरी तक कैंप लगा रखा हमारा अच्छे से, तो ऐसे डैश डैश कर देते थोड़ा सा, ये तो सब डिफाइन है ना, मतलब पुलिस स्टेशन होगा उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रखी होगी, कोई सीमेंटेड बिल्कुल बाउंड्री होगी, रेस्ट हाउस की भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, कैंपिंग ग्राउंड का हमें पता नहीं, तो इसको हल्का सा बॉर्डर कर देते हैं, आइडिया लगा ऐसा क्यों किया। आगे बताऊँ, नेक्स्ट देखिए आप ध्यान से, एक आपसे पूछते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट समझते हैं आप लोग, मतलब कहीं पर फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया कि यहाँ पे कटाई वटाई करना सब मना है, यहाँ पे पीपल आर नॉट अलाउड, है ना, तो उसको ऐसे लिखा होता है आर एफ, रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी फॉरेस्ट का भी हमें एरिया पता नहीं होगा कितना, अगर इसको डब्बा मारना है तो मार देना ऐसे वाला डब्बा मार देना, क्योंकि हमें इसका एरिया डिफाइन पता नहीं होता कहाँ तक होगा रिजर्व फॉरेस्ट, ये क्लियर हुई आपको बात। अगला देखिए प्रोटेक्टेड एरिया, ये भी इसी के जैसा होता है, प्रोटेक्टेड एरिया
मतलब वहाँ पे भी एनिमल्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसका PA हो जाता है, एनिमल्स वगैरह को हम प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ये चीज़ क्लियर हुई, आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट बताऊँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था आपका 10th नंबर का आएगा आपका विलेज। अब गाँव के बारे में बात कर लें थोड़ी सी, गाँव कैसे बनाने। दो तरह के गाँव होंगे, ये तो वो होगा ओपन, ये तो ओपन होगा, या फिर होगा लाइंड। मतलब ओपन मतलब खाली, कोई बाउंड्री नहीं है उसकी तरफ, लाइंड मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्री कर रखी, सिंपल। ओपन वाला आप कैसे बनाएंगे, ऐसे एक रोड ले जा लेना और ऐसे घर से दिखा देना कि ये घर हो गया, शर्मा जी का घर, वर्मा जी का घर, मिश्रा जी का घर, है ना, ये किसी और का, पंडित जी का घर, है ना, ये बना देना किसी और का घर, ऐसे घर बन गए, तो ये ओपन है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं हो रखी। अगर ऐसी लाइन में बनाएं तो ऐसी शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी का सबका घर बनाना, जैसा घर का डिज़ाइन आपको पसंद आए वैसा बना दीजिएगा, ये हुआ। और इसके साथ में इसकी ऐसे लाइन मार देना साइड से, मतलब ये विलेज की बाउंड्री हो रखी है। मेरे ख्याल से विलेज दोनों क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देख रहे हो, आपको आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अगले देखिए चर्च, अगर आपसे पूछ ले चर्च, चर्च अगर आपसे पूछ ले तो आप ऐसे एक डब्बा बनाइएगा और ये क्रॉस मार दीजिएगा, ख़त्म। चर्च जहाँ पे क्रिश्चियन लोग प्रेयर करते हैं वो वाला चर्च, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट होता है मॉस्क। मॉस्क क्या होती है भाई, मस्जिद। मस्जिद में ऐसे करना डब्बा बनाना और इसमें 3 क्रॉस लगा देना, ये क्लियर हुआ। अगर इसमें गेट लगाना, गेट भी लगा लेना यार, तुम्हारी इच्छा है वो, ये हुआ ऐसे करके। अगर आप ऐसा करें कि 2 ही क्रॉस लगाएं और एक करके इसके ऊपर चांद सा बना दें, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ मॉस्क हो गया, मंदिर बनाना आ गया, मतलब क्या बोलते हैं, चर्च आ गया हमें, मॉस्क आ गया। इसके बाद टेम्पल देखिए, टेम्पल का साइन बताऊँ, टेम्पल नॉर्मल होता है ऐसे, ट्राइंगल रखना, ये डब्बा रखना, ऐसे करना, इसका एक झंडा लगा देना, ख़त्म। टेम्पल, ये टेम्पल का सिंबल होता है, ठीक है, टेम्पल हो गया। अब आपसे पूछते हैं पैगोडा, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, सी शर्ट वालों ध्यान से देखो, पैगोडा, इसका इसके पेपर में आ रखे हैं बहुत बार। पैगोडा कैसे बनाओगे आप, पैगोडा के लिए ऐसे करोगे, ये करोगे, फिर एक ये बना दीजिए इसके ऊपर और यहाँ पे लगा देना झंडा, ये होता है पैगोडा। पैगोडा समझ रहे हो, किसी भी चीज़ का गुंबद सा बना दिया पूरा, है ना, ओवल शेप में कोई बिल्डिंग हो गई पूरी, उसको पैगोडा बोल देते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगला देखिए आप ध्यान से, अगर आपसे पूछे ईदगाह, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ईदगाह बहुत बार पूछा है, मेरे एग्ज़ाम में भी आया था। ईदगाह, ईदगाह आप ऐसे बनाएंगे, ये हुआ, ये लगाना और ये 2 क्रॉस लगा देना, ये इनमें कन्फ्यूज मत हो ना, चर्च पे 1 क्रॉस लग रहा, मॉस्क पे 3 लग रहे हैं, ईदगाह पे 2 लगते हैं, ऐसे ध्यान से देख लिया आपने ये चीज़, ईदगाह। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो वो होता है टोम्ब। टोम्ब बोलते हैं गुंबद को, पैगोडा तो पूरी बिल्डिंग ही होगी ओवल शेप की, टोम्ब मतलब कि उसके जो जैसे किसी भी मंदिर वंदिर का ऊपर का नहीं होता, तो कुछ के ट्रायंगल में होते, कुछ के ऐसे लड्डू की तरह गोल से रखे होते हैं, तो उसको बोलते हैं गुंबद, टोम्ब होता है गुंबद। ये ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे किया और इसका ये गुंबद बना देना, बस बन गया टोम्ब। टोम्ब बनाना आ गया। टोम्ब आपका टेम्पल्स में मिल सकता है, मस्जिद में मिल सकता है, चर्च में मिल जाएगा, गुरुद्वारे में मिल जाएगा, तो ये टोम्ब अलग से ही इसका सिंबल बना देगी, वहाँ पर कोई टोम्ब होगा, समझ गए यहाँ तक, आगे बताऊँ, आगे बढ़ जाएं भाई, यहाँ तक क्लियर हो चुकी चीज़ें, चलिए आगे देखते हैं। 12th हम देखेंगे अब लाइट हाउस कैसा बनता है। लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस ऐसे ट्रायंगल बनाइएगा, ये इसका गेट लगाए, ये बन गया, ये हो गया लाइट हाउस, क्लियर इतना, ठीक है। अब आपसे पूछे कि हाउस, घर पूछ ले, 2 तरह के होंगे, एक होगा परमानेंट, परमानेंट होगा या तो, एक होगा टेम्पोररी, मतलब कच्चा हाउस पक्का हाउस भी लिख देगा तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको एक चीज़ समझ आ रही है। परमानेंट हाउस होगा तो आप इसे डब्बा बनाना और उसमें कलर भर देना, दिस इज़ परमानेंट हाउस, क्लियर। टेम्पररी अगर से पूछ लेगा तो ऐसे ऐसे करके बना दीजिएगा, एक स्क्वायर सा बन गया, ये टेम्पररी हाउस हो गया। एक चीज़ और बताऊँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्ट। फोर्ट होता है किला, फोर्ट क्या होता है, किला। किला कैसे बनाओगे, ध्यान से देना, ऐसे बनाना, ये बनाना, ये बनाना, ऐसे करना और उसका ये लगा देना, मतलब यहाँ पे किला है, राजस्थान वगैरह का नक्शा अगर आपने देखा तो वहाँ पे ऐसे किले मिल जाएंगे बहुत सारे, समझ गए, इतना किला आपने बनाना सीख लिया। आगे देखें 14 नंबर पे देखिए, अगर आपसे बोलते कि ग्रास बनाओ, ग्रास, ग्रास बनाने के लिए बोले तो वही बचपन में जैसे बनाते थे, बन गई ग्रास, ग्रास बनानी आ गई।
अच्छा इसी के साथ में अगर आपसे बोल दे कि फॉरेस्ट या ट्रीज बनाइए, ट्री ट्री बनाए, अगर एक ट्री बोला तो एक के पेड़ बना देना, जैसे ये मैंने पेड़ बना दिया कोई, या आप ऐसे पेड़ बना सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ बन गया। अगर इसी में बोल दे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फॉरेस्ट बोल दे आपसे, तो बहुत सारे पेड़ बना देना, यहाँ भी पेड़ ऐसे करके बना देना, और ऐसे करके बाउंड्री से मार देना हल्की सी कि हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा, जंगल ही जंगल है सर जाओ यहाँ पे, तो पेड़ आप ऐसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। बन गया फॉरेस्ट, जंगल, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ ही पेड़ हो रखे हैं। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। आगे बताऊँ, आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए कंटूर लाइंस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये भी बहुत बार सुना होगा कंटूर लाइंस, इसकी एक अलग वीडियो बना रखी है मैंने, उसे देख लेना, कंटूर लाइंस जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएंगी। ये हुआ, इसमें आप ऐसे करना, बनेगी कंटूर लाइन, ऐसे बना दी, अरे ऐसे बना देना, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, कोई गलती नहीं है, सही है दोनों की दोनों, ठीक है। अगर आपसे इसमें इसमें कुछ नंबरिंग भी आप लिख सकते हो अगर आपका दिल करे तो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 10 20 30 या 10 20 30, अंदर को बाहर को कैसे भी लिख सकते हो। ये कंटूर लाइन वाली वीडियो देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बताऊँ, अब हम कुछ बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं, बाउंड्रीज बाउंड्रीज बाउंड्री या बाउंड्रीज जो भी मान लो, बाउंड्री कैसी हुई, कैसी कैसी हो सकती हैं। देखो बाउंड्री आपकी दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो होगी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हो जाएगी या तो, या हम एक इंटरनेशनल होगी है ना, एक आप बोल सकते हो नेशनल या फिर स्टेट की बाउंड्री, दो तरह की बाउंड्री हो सकती है, इंटरनेशनल होगी या स्टेट की बाउंड्री होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, अब इंटरनेशनल के अंदर भी दो तरह की हो सकती हैं, जैसे देखो एक हो सकती है डीमार्केटेड, डीमार्केटेड डीमार्केटेड का मतलब है कि हमें पता है कन्फर्म है कि यहाँ पे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, हमें पता है दोनों की दोनों को कि ये बाउंड्री किस किस की है। एक हो सकती है अनडीमार्केटेड, अनडीमार्केटेड इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्प्यूट है, यहाँ पे चल रही है लड़ाई, यह अभी चाइना और इंडिया के बीच में क्लियर नहीं है कि कौन सी बाउंड्री हम माने या जिसके साथ भी, है ना। डीमार्केटेड मतलब यह कन्फर्म है कि म्यांमार और भारत के बीच में ये वाली ही बाउंड्री है, समझ गए। ऐसी स्टेट के साथ भी हो सकता है, ये केस हो सकते हैं ना दोनों ही, इसके साथ भी डीमार्केटेड हो सकता है कि दोनों स्टेट क्लियर है अपनी बाउंड्रीज, या अनडीमार्केटेड या दोनों स्टेट के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है भाई उस बात को लेकर कि हमारी बाउंड्री कौन सी होने वाली है, वो कहते हैं एनए से ले लो, कहे इनने से ले लो, दिक्कत होती है ना। तो ये हो गया, अब इनको मार्क करना सीखेंगे चारों को। इंटरनेशनल वाली जो भी होगी वो थोड़ी सी बोल्ड में बनेगी, जैसे देखो ऐसे इसको चौड़ा बनाना थोड़ा सा, फिर एक डॉट लगा देना, फिर चौड़ा बनाना, फिर डॉट मार देना, फिर चौड़ा बनाना, ऐसे। यह हुआ डीमार्केटेड, मतलब नॉर्मली सीधे साधे शरीफ सी। अनडीमार्केटेड में ऐसे मोटी सी बनाना, फिर क्रॉस लड़ाई बज रखी, फिर मोटा बनाना, फिर क्रॉस लड़ाई बजी है, याद रहेगा ऐसे। ये हो गया सिंपल। स्टेट वाली में सेम यही बनानी है, बस इसको थोड़ा सा लाइट बनाना, जैसे ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, बस स्टेट वाली में ही सिंपल बनानी, बस इंटरनेशनल में बोल्ड होगी इसमें, जैसे ये वाली अंडीमान की यही लड़ाई बजी है, लड़ाई बजी है, लड़ाई बज रखी है, ये बाउंड्री क्लियर नहीं है। आपको ये दोनों क्लियर हो चुकी बाउंड्रीज, बना लोगी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि डिस्ट्रिक्ट या किसी ट्राइबल ट्राइब की, डिस्ट्रिक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट हो गया कोई, है ना, या ट्राइब होगी कोई, उस एरिया की बाउंड्री बताइए, तो उसको ऐसे नॉर्मल बाउंड्री बनती है, ऐसे सिंपल से मार देना, हो गया ख़त्म। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ूँ बताओ। एक देखिए ध्यान से, ग्रेव यार्ड आपसे पूछते हैं, ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड होता है कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड क्या होगा, कब्रिस्तान, तो वो ऐसे बनता है, ये बने ऐसे करके बन जाता है, ये होता है ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान, याद रहेगा। एक आपसे पूछा, अगर आपसे पूछ लिया बैटल फील्ड, बैटल फील्ड आपसे अगर बैटल फील्ड पूछ लिया, मतलब यहाँ पे लड़ाई वगैरह हो रही है ऐसे करके, तो वो ऐसे बन जाता है, टारगेट का निशान नहीं होता, जैसे ये होता है बैटल फील्ड का निशान, क्लियर, याद रह गया। तो एक आपसे पूछ लेते हैं हाइट, हाइट तो हाइट लिखते हैं ऐसे, A 200, मतलब जिस जगह मैप पे लिखा होगा मतलब वहाँ की हाइट इतनी है। अगर आपसे पूछ लिया कि बेंच मार्क बता दीजिए, बेंच मार्क, बेंच मार्क, तो इसमें लिख देना BM इक्वल्स 200, मतलब वहाँ पे बेंच मार्क ऐसे करके निशान होता है, एक बेंच मार्क का ये निशान है, बेंच मार्क का, तो बेंच मार्क यहाँ पे लगा हुआ है कि बेंच मार्क एग्जैक्ट हाइट, मतलब ये खोदा होता है दीवार के अंदर पे ना,
आप टोपोग्राफी वाली वीडियो देख लेना, उसमें फोटोज़ दिखा रखी हैं इसकी, तो उसको दीवार के अंदर बिल्कुल खोद के दिखा रखा होता है कि ऐसे है बेंचमार्क, यहाँ की हाइट इतनी है, सर्वे से हमने नाप दी। और ये आई होप ये सारी आपको क्लियर हो चुकी बिल्कुल सारी, एक बार से फट से रिवाइज़ करें हम क्विकली, लेट्स रिवाइज देम क्विकली एक बार को। अब की बात तो कन्वेंशन साइन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, पांचों पांचों नंबर लेके आना, जो पांच नंबर होंगे। कन्वेंशन साइन हमने आज पढ़े, मेटेलिक रोड सिंपल बना देनी विद माइलस्टोन, पूछो ऊपर पत्थर लगा देना है माइलस्टोन का, कॉस पे जाने का रास्ता सिंपल, ये ब्रिज पूछे तो ब्रिज ऐसे, रिवर पूछ ले तो सिंपल ये ड्राई रिवर, अगर पानी है उसके अंदर तो ऐसे, अनअलाइंड वेल ये हो जाती है आपकी बिना भरे, अलाइंड वेल पानी भर देना उसके अंदर। रेलवे दो तरह होंगे, नैरो होगा या ब्रॉड गोज होगी, नैरो गोज में सिंगल डबल, सिंगल ऐसे डबल ऐसे, फिर ब्रॉड गोज में सिंगल, फिर ये डबल वाली मोटी सी हो जाती है। फिर अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आपसे पूछ ले तो अंडर कंस्ट्रक्शन में ये सिंपल आ जाती है, और ये टूटी टूटी बनती है अंडर कंस्ट्रक्शन में। फिर ये कुछ डब्बे वाले हाउसेज थे जैसे सर्किट हाउस लाइट वाला CH हो जाता है, रेस्ट हाउस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, कंबाइन मतलब ये पोस्ट ऑफिस भी है टेलीग्राफ ऑफिस भी है दोनों इसमें, और ये कैंपिंग ग्राउंड हो गया, कैंपिंग ग्राउंड का एरिया डिफाइन नहीं होता इसलिए उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ये क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए रिजर्व फॉरेस्ट हमने पढ़ा, रिजर्व फॉरेस्ट फिर प्रोटेक्टेड एरिया, फिर कोई विलेज, दो तरह के हो सकते हैं, या तो ओपन होगा या फिर उसे बाउंड्री कर रखी होगी। फिर हमने देखा चर्च, एक क्रॉस, मॉस के अंदर तीन क्रॉस होते हैं, फिर टेम्पल, झंडा, पैगोडा, लड्डू बना देना, पैगोडा ओ पकोड़ा लड्डू बना देना सीधा याद रहेगा, ईदगाह दो क्रॉस मार देना, टोम्ब मतलब उसके ऊपर का मुकुट सा लगा देना, उसके ऊपर डब्बा बना के, लाइट हाउस ये उसका साइन हो जाए, हाउस दो तरह के होते हैं परमानेंट या टेम्प्रेरी, परमानेंट पे कलर भर देना, टेम्प्रेरी ऐसे, किले का हाउस फोर्ट देखिए किला ऐसे बनेगा ठीक है, ग्रास सिंपल ग्रास बनना, ट्री एक आधा बना दे ट्री ऐसे, जंगल पूछे तो पूरा जंगल बना देना ठीक है। फिर देखा आपसे कंट्रोल लाइंस पूछेगा तो सिंपल लाइंस बना देना ठीक है। बाउंड्री पूछे दो तरह की होती है बाउंड्री, या तो इंटरनेशनल होगी या नेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री हो गया, फिर तो एक तो डीमार्केटेड मतलब नॉर्मल क्लियरली डिफाइन है वो ऐसे, अनडीमार्केटेड मतलब क्रॉस लड़ाई बजी हुई यहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं है, इसमें भी स्टेट में भी डीमार्केटेड अनडीमार्केटेड, बस इसमें बोल्ड होगा थोड़ा सा, इसमें सिंगल होगा। डिस्ट्रिक्ट या ट्राइब की बाउंड्री सिंगल होती है ऐसे, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान की बाउंड्री कब्रिस्तान ऐसे बनाया जाएगा, बैटल फील्ड टारगेट का साइन हाइट ऐसे लिखी जाती है, या बेंच मार्क ऐसे लिखा जाता है। ये सारे के सारे कन्वेंशनल साइन जितने भी थे ना मैंने सारे कवर करवा दिए हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको मिलिट्री सिंबल्स वेपन्स उन सब के मोर्टार आर्टिलरी आर्मर्ड इन सब के सिंबल्स समझाने वाला हूँ ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।